अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका J4 E-Tech जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक क्विक हैंड्स ऑन और ओवरव्यू देने वाला हूं आपका हाल ही में लॉन्च हुए नोकिया 3 का। नोकिया ने दोस्तों हाल ही में उसके 3 डिवाइस लॉन्च किए थे, नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6। उसमें से नोकिया 5 और नोकिया 6 जो है आपको जुलाई में अवेलेबल होंगे, लेकिन नोकिया 3 जो है वो ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल हो चुका है। तो ये फ़ोन में आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, इसका हैंड लुक एंड फील कैसा है, ये सब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो नोकिया 3 में आपको मिलता है 5 इंच का 720p का डिस्प्ले। इसमें जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, लेकिन कौन सा है वो कंफर्म नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 7 न्यूगट। अपग्रेडेबल है या नहीं वो फिलहाल अभी कुछ इसकी जानकारी नहीं है। प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का MT6737। इसमें जो 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है। स्टोरेज दोस्तों जो इनबिल्ट आपको दी होती है वो है 16 GB, जो कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। आप इसको 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम इसमें आपको मिलेगी 2 GB की। कैमरा आपको मिलेगा 8 MP का, फ्रंट भी और बैक भी। और इसमें दोस्तों आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 720p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बैटरी मिलेगा वो मिलेगा 2630 mAh का बैटरी। और इसमें आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम इस फ़ोन के ओवरव्यू की। तो इस फ़ोन में अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर प्लस पावर बटन। इसके दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सिम कार्ड ट्रे, जो कि डुअल सिम कार्ड है, और एक मेमोरी कार्ड का ट्रे एक्सपेंडेबल जो कि 256 है। ऊपर में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो हेडसेट जैक। नीचे आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, जिससे आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और डेटा आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन की कीमत जो ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है वो है 9499, यानी 9,500 रुपये इस फ़ोन की कीमत रखी गई है। तो अगर 9,500 रुपये कीमत के हिसाब से बात करता हूँ तो ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव है, बिकॉज आपको 9,500 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है और इससे बेहतर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं। लाइक रेडमी फ़ोन है आपके पास, रेडमी 4 हो गया, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे फ़ोन आपको मिल जाते हैं इसमें आपको स्नैपड्रैगन मिल जाता है। बाकी अगर आप अगर आप नोकिया के फ़ैन हैं और अगर आपको कोई नोकिया फ़ोन चाहिए तो फिर आप इस फ़ोन में जा सकते हैं। बाकी इसका जो परफॉर्मेंस है डे टू डे यूसेज में कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज कैसा है कि अभी जो फ़ोन का हैंड्स ऑन ही लिया हुआ है, इस टाइम में फ़ोन खाली होता है, कुछ ज़्यादा इस पर मेमोरी भरी हुई नहीं होती है, काफ़ी कुछ इसमें मतलब खाली रहता है। तो आपको उतना मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस ही मिला है, ऐसा कुछ इसमें मेरे को तकलीफ़ नहीं गई मेरे यूसेज के टाइम में कि मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो फ़ोन नहीं चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आप 9,500 रुपये में नोकिया 3 जो है मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ है ख़रीदना पसंद करेंगे या आपके और भी कोई चॉइसेस हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ रिव्यूज़, कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।